क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी और यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर जसप्रीत बुमराह ने आखिरी टेस्ट मैच से अपना नाम वापस ले लिया था और T20 सीरीज में भी बुमराह नहीं खेल रहे हैं और तब से ही खबरें थी कि जसप्रीत बुमराह शादी कर रहे हैं। खबर ये भी थी कि बुमराह किसी हीरोइन के साथ साथ फेरे लेने वाले हैं, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि बुमराह किसी हीरोइन से शादी नहीं कर रहे हैं बल्कि टीवी एंकर से बुमराह की शादी होने जा रही है। बुमराह की शादी की पूरी डिटेल्स सामने आ गई, जिसमें शादी की तारीख, शादी की जगह, मेहमान तक फाइनल हो गए हैं। तो आपको बताते हैं कौन है बुमराह की होने वाली जीवन संगिनी और कहां से, कैसे और कब होगी बूम बूम की शादी। तो जैसे ही बुमराह की शादी चर्चाओं में आई तो साउथ इंडियन एक्ट्रेस अनुपमा ईश्वरन के साथ बुमराह का नाम एक बार फिर जुड़ने लगा और कहा जाने लगा कि दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन अनुपमा की मदर ने इस शादी से इनकार कर दिया और एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो गया। लेकिन अब पक्की खबर आ गई है कि जसप्रीत बुमराह किससे शादी कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। तो बुमराह की शादी इसी महीने, जी हाँ, इसी मार्च के महीने में गोवा में होने वाली है। 14 और 15 मार्च को गोवा में जसप्रीत बुमराह की डेस्टिनेशन वेडिंग होने जा रही है और बुमराह की होने वाली दुल्हन कोई फिल्मी एक्ट्रेस नहीं बल्कि टीवी एंकर संजना गणेशन है। जी हाँ, स्टार स्पोर्ट्स की टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ बुमराह साथ फेरे लेने जा रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स पर अक्सर आपने देखा होगा कि आउटडोर लोकेशन या फिर किसी खास जगह के खाने और लोकेलिटी को लेकर जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उनमें संजना गणेशन ही अक्सर दिखती हैं और उन्हीं संजना गणेशन के साथ बुमराह की शादी होने जा रही है। हालांकि अब तक बुमराह और संजना दोनों ने इस बात को छिपा कर रखा था और मीडिया तक भी ये खबरें नहीं पहुंच पाई थी, दोनों के प्यार के चर्चे भी सामने नहीं आ पाए थे। लेकिन अब पक्की खबर है कि संजना और जसप्रीत बुमराह शादी करने जा रहे हैं और 14-15 मार्च को गोवा में इनकी शादी होगी। बताया जा रहा है कि संजना ने BCCI के एक अवार्ड फंक्शन में बुमराह का इंटरव्यू लिया था और तब से ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई और अब दोनों की शादी होने जा रही है। इस शादी में टीम इंडिया के खिलाड़ी शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि पूरी टीम बायो बबल में अहमदाबाद में है और बायो बबल से निकलकर शादी में जा पाना संभव नहीं है। हालांकि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, जो कि बुमराह के काफी करीब हैं, इस शादी में शिरकत कर सकते हैं और दोनों ही फिलहाल T20 मैचेस भी नहीं खेल रहे हैं। इनके अलावा बुमराह और संजना के घर के लोग, कुछ करीबी दोस्त ही इस शादी में शामिल होंगे। शादी को दो तरीकों से किया जाएगा। अब जसप्रीत बुमराह की तरफ से पंजाबी शादी होगी तो वहीं संजना की तरफ से साउथ इंडियन शादी होगी, क्योंकि संजना साउथ इंडिया से आती है और दोनों ही रीति रिवाजों से गोवा में 14-15 मार्च को ये शादी होगी। शादी के बाद मुंबई में एक बड़ा रिसेप्शन देने की भी तैयारी है जिसमें सभी लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल की शुरुआत में बुमराह की शादी का ये रिसेप्शन हो सकता है, जो कि IPL से पहले ही हो जाएगा। तो जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन की ये जोड़ी बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरत जोड़ी को आप भी अपनी तरफ से ब्लेसिंग जरूर दें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।